देवीदास मात्रे, पहली गेंद फाइनल की, दूसरे मोहल्ले में फिर भी कट करने की कोशिश की थी, बल्ले को छुआ था वहां पे, कैच छूटा। सुनील पवार, ये फाइनल कितने ओवर का है? तीन तीन चार चार ओवर का है। इसमें दबा पैक फुट पे गए हैं, बहुत खूबसूरत कट शॉट, कवर पॉइंट पे खिलाड़ी एक रन। इसी ग्राउंड पे सुनील पवार 2016 में टाइगर ऑफ टेमगढ़ ने नाना ट्रॉफी किया था बीसी फोर सिटी क्रिकेट का, और उस वक्त आपने देखा कि ऑर्केस्ट्रा भी था और क्या बोलते हैं उसको, जो लड़कियां नाच लावनी। इस मरतबा डॉट गेंद, और लावनी का तो जोक मैंने देखा था वाउजे में, जब टीमों के बीच में झगड़ा हुआ तो कहाँ गायब हो गए सब, पता ही नहीं लगा। बहरहाल फाइनल का मुकाबला एक रन, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे देवीदास मात्रे। इस मरतबा शफल करके निकाल दिया गेंद को, फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई चार रन। गेंदबाजी कर रहे हैं देवीदास, ऑफिस डम के बाहर से खींच के मारने की कोशिश, डॉट गेंद। सुनील पवार, करण कदम एक बड़े खिलाड़ी पकड़े जाते हैं टेनिस क्रिकेट बीसी फोर में, वो भी चमके थे 2016 के नाना चषक से, क्योंकि उसमें वो मैन ऑफ द सीरीज थे। स्विंग एंड मिस, बहुत बढ़िया गेंद, एक ओवर की समाप्ति, रन बने पांच बिना कोई विकेट के। स्वागत है आप सभी का नाना ट्रॉफी 2022 में। आज हमारे साथ सिंगर विशाल पाटिल और गायिका करिश्मा पाटिल मौजूद हैं, आपका स्वागत है। ये देखिए, दिखता है तो बिकता है आजकल, क्योंकि टिप टॉप का ज़माना तो हमेशा रहा है, टिकटॉक और सोशल मीडिया का ज़माना है। खेल की शुरुआत गेंदबाजी के लिए नितेश मात्रे को मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे बैट्समैन राजेश पाटिल, नॉन स्ट्राइक पर जय हिंद चौगले। ये हमारे तमाम मैनेवर्स जो आज शाम नाना ट्रॉफी की शोभा को बढ़ा रहे हैं। इस मरतबा अच्छा ड्राइव फाफोली पे लेकर डीप वर्डी शमिडॉप पे गेंद को उठाया, दो रन पूरे के बैट्समैन ने। तीन पे पहुंचे राजेश पाटिल, कुल स्कोर सात पे पहुंचा वडू नौकर का, सात रन बिना कोई विकेट के। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, स्विंग एंड मिस, काफी शफल किया था, विकेटों के ऊपर से गेंद चली गई थी। देखिए सुनील पवार, आप नींबू कितने भी खा लें, दुश्मन के दांत खट्टे नहीं होंगे। दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए उनके आंखों में आंखें डाल के बात करना होंगी, आपको एग्रेशन और कांधे से कांधा टकराना होगा।
राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा बढ़िया ड्राइव, गेंद कारपेट के जरिए डीप मिड ऑन में, दूसरे की कॉल और दो रन पूरे इन दो रन से स्कोर आगे सरकता हुआ नौ पे पहुंचा है। सुनील ये बताइए कि 40 प्लस में जो अंडर 40 बैट्समैन रहता है वो कौन से नंबर पे आता है? चौथे ओवर में आएगा। टॉपेज लगा है, कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री पे सरक रही है, क्रॉस कर गई, चार रन, खिलाड़ी भी बाहर और गेंद भी बाहर, चार रन। लोडाला उसके आने से ही तो सारी चमक धमक है। स्कोर इस वक्त आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 13 रन बिना कोई विकेट के। इस बीच देखना है क्या कुछ हुआ है, क्या हुआ है, एक रन आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। रणजीत कालवर गावाचे आमचे आदरणीय प्रकाश मामाचं आगमन झालेलं आहे आणि दादांना विनंती असेल की दादा आपण या व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे। पहिला बॅट्समॅन रन आउट हुआ है और कुल स्कोर है 14 और विकेट गिरा है एक। सुनील पवार भी ऑलराउंडर कमेंटेटर है, सिटी क्रिकेट भी करते हैं, ग्रामीण भी करते हैं, मास्टर 40 भी करते हैं, न्यू 40 भी करते हैं, रेगुलर 40 भी करते हैं, सिटी इमर्जिंग भी करते हैं। रणजीत जिता ऑर्डर तिथस जाना गरजेचं आहे। सही है, बिल्कुल सही, जैसा देश वैसा भेस। और सही भी कर रहे हैं हम, जो हाजिर वही वजीर। 14 रन एक विकेट। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज नितेश, नए बैट्समैन गणेश जूनियर, बाएं हाथ के बैट्समैन है और बहुत समय पे सिक्सर लगाया था उन्होंने सेमीफाइनल में, वहीं ले डूबा सिद्धिविनायक अंजूर को। गणेश इस मरतबा ऊपर लगी है, बड़ी विकेट, आउट हो गए गणेश जूनियर। सीटी पे सीटियां बज रही है गणेश जूनियर के आउट होने के बाद, देखने वहां क्या हुआ है। अंपायर ये बताइए बैट्समैन आउट हुआ है ना, यस, फिर वो क्यों रुके हुए हैं? पंचायत इन्हें अंतिम रही। देखिए जो अंपायर का डिसीजन है वो फाइनल रहेगा। सला विनंती है कि अपन लगे जा क्षेत्र लावून घ्या, पंचाचा निर्णय अंतिम राहील, तिसऱ्या पंचासाठी सुविधा नाही आहे। अन्यथा आयोजकाच्या माध्यमातून सूचना मिळते कि पेनल्टी लावण्यात येईल। पंचाचा निर्णय अंतिम राहील, चला विनंती आहे क्षेत्ररक्षण लावून घ्या वडूनगर टीमचा। तिसऱ्या पंचाचा सुविधा नाही आहे, पंचाचा निर्णय अंतिम राहील। हॅलो हॅलो हॅलो, पंचाचा निर्णय अंतिम राहील, तिसऱ्या पंचाचा निर्णय नाही आहे। देखिए ऑर्गेनाइजिंग कमिटी का कहना है वडू नौकर, आपका खिलाड़ी बाहर नहीं गया तो आपको दो रन का पेनल्टी, दो रन का पेनल्टी दिया जाएगा। तीसरे अंपायर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वडू नौकर की कैप्टन इस बात को सुनने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कह रही है,
थर्ड अंपायर नहीं है सर, थर्ड अंपायर नहीं है, वरना हम आपके रेस्पेक्ट करते हैं। प्लीज प्लीज आप अंपायर के डिसीजन को मान्य कीजिए प्लीज। देखना है कि ऑन फील्ड अंपायर मैच की शुरुआत करें प्लीज। चला वेळेत बांटे व्हायचे। देखिए जो खिलाड़ी वडू नौकर का अंदर है वो एक सेकेंड में अगर बाहर नहीं गया तो दो रन का पेनल्टी दिया जा रहा है। आपको जाना है प्लीज। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कह रही है पेनल्टी दिया जाए। प्लीज 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 आप जाइए। खेल की शुरुआत होती हुई आउट होके जा रहे हैं बैट्समैन गणेश जूनियर और दो ओवर की समाप्ति पे कितने रन बने? 14 रन 2 विकेट। चांगली बॉलिंग पाहते अपन दरमियान या स्थिति मध्ये धावसंख्या पाहते अपन 14 दोन गड्याच्या मोबदल्या मध्ये। यानंतर जर कुठलाही खेळाडू मैदानाच्या आत मध्ये आला तर त्या संघाला पेनलाइज केले जाईल। देखिए सुनील पवार फाइनल मुकाबला और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी नहीं चाह रही कि किसी टीम को पेनल्टी मिले, लेकिन टीमों ने भी सहयोग करना चाहिए। अभी भी वो खिलाड़ी आप जाकर डगआउट में जाते हुए एक की जगह दो। दो ओवर 14 रन 2 विकेट। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए भीरू पाटिल। समय में कॉपरेट करें अथवा आप कोई भी टीम रो। या मुख्य व्यासपीठावर अनेक मान्यवर जोडलेले त्यांच्या शुभ सन्मानाकडे आपण वळतोय। आपल्याकडे वेळ आहे एक एक करून शुभ सन्मान आपण घेणार आहोत। श्री हरिचंद्र गुरुनाथ जी चौधरी यांचा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर केला जाईल। आयोजकांना विनंती आहे दीपक पाटील साहेब आपण आपल्या शुभ हस्ते या मान्यवरचा शुभ सन्मान करा। मुख्य व्यासपीठावर आपण शुभ सन्मान होताना पाहतोय। सामना मैदानाच्या आतमध्ये सुरू ठेवायचा आहे। गुणलेखक आपलं लक्ष मैदानाच्या आतमध्ये असू द्या। उद्योजक श्री गोपीनाथजी चौधरी यांचा शुभ सन्मान, यानंतर सन्माननीय दीपकजी पाटील यांच्या शुभ हस्ते असेल। बंटीजी पाटील आपलं आगमन झालं। बंटीजी फुलोरे यांचं आगमन झालं। आयोजकांच्या वतीने तुमचं सहस्नेह स्वागत। मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित सदानंद जी म्हात्रे साहेब यांचा शुभ सन्मान यानंतर केला जाईल। खर तर या अगोदर या मान्यवराचा शुभ सन्मान झालेला आहे। इस बीच अगली गेंद स्विंग एंड मिस। बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर कटी थी। बल्लेबाज वाइड मांग रहे थे जबकि गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर कटी थी। मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित विशाल जी पाटील यांचाही शुभ सन्मान होतो आहे। आयोजकांना विनंती आपण टायगर ऑफ टेमगर सतीश भाई चौधरी आपणास विनंती आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा शुभ सन्मान करायचा आहे। दीपक म्हात्रे राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा अच्छा ऑन ड्राइव लॉफ्टेड लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी एक रन बना। एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। बडू नौकर का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट। पंद्रह रन 2 विकेटों के नुकसान पे अच्छा टोटल तो हम नहीं कहेंगे। तीसरा ओवर चल रहा है। चार चार ओवर का ये फाइनल मुकाबला है। इसमें अब आप पुश किया पुश करो और खुश रहो। एक रन दूसरे की कोशिश 2 रन पूरे और कुल 17 रन। मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित गायिका करिश्मा जी पाटील अपला यानंतरचा शुभ सन्मान होणार आहे। प्रदीप जी चौधरी यांच्या शुभ हस्ते रंगबिरंगी फुलांनी भरलेला पुष्पगुच्छ, त्याचबरोबर या क्रीडा सोहळ्याची
गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन शुभ सन्मानित केलं गेलं। 17 रन 2 विकेटों के नुकसान पर दीपक इस बार दबाव उक कर दिया है। गेंद हवा में, फील्डर नीचे, क्या छूटा सपना टूटा, थ्रो भी ऊपर से चला गया है और इस बीच बैट्समैन ने 2 रन लिए। कुल स्कोर 19। त्याचबरोबर मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित सुनील जी इतारकड यांचा शुभ सन्मान केला जाईल, स्वागत सन्मान सत्कार केला जाईल। योगेश जी तरी आपणास विनंती, आपण आपल्या शुभ हस्ते अशुभ सन्मान इथे संपन्न करायचा आहे। सुनील जी इतारकड यांचा शुभ सन्मान केला जाईल। 19 रन हो चुके बडू नवगर के, आखिरी गेंद आहे तीसरे ओवर की। इसमें दबाव बल्ले के अंदर लगी, शॉर्ट फाइन लेग पे गई, 1 रन। मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित सन्मान्य जनार्दन जी चौधरी समाजसेवक टेमगर यांचा शुभ सन्मान मदन जी चौधरी आपल्या शुभ हस्ते केला जाईल। या फार दूरवर तुम्ही, अगदी शेवटच्या टोकाला आहात, लवकर या। 3 ओवर 20 रन और 2 विकेट, छत्रपती शिवाजी महाराज स्पोर्ट वडू नवगर। समाजसेवक जनार्दन जी चौधरी यांचा शुभ सन्मान मुख्य व्यासपीठावर केला जातोय। शिवसेना शाखा प्रमुख आहेत या मान्यवरचा शुभ सन्मान मदन जी चौधरी यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय। पुन्हा एकदा या स्पर्धेची गोड आठवण, सन्मान चिन्ह, त्याचबरोबर जिव्हाळ्याचं आत्मीयतेचं प्रतीक असणारा पुष्पगुच्छ दिला गेलाय। क्रीडानगरीमध्ये उपस्थित बिंदाजी चौधरी आपणास विनंती, आपण पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे संपूर्ण स्पर्धेसाठी, आपल्याला या व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे। गेंदबाजी के लिए इस वक्त बुलाया गया है बाला पाटिल को। बाला डेथ ओवर में आए, 3 ओवर 20 रन और कुल 2 विकेट। बाला, ओ बढ़िया लेग ब्रेक, आउट LBW। बहुत खूबसूरत गेंद थी और सीधा टोपे लगी, कोई दुविधा नहीं अंपायर के मन में। एक और विकेट, तीसरा विकेट गिरता हुआ 20 पर। सुनील पवार, आपको बाला को देखकर साउथ अफ्रीका के पॉल एडम की याद आ गई होंगी, इतना ही को बाएं हाथ के गेंदबाज थे। और योग्य उल्लेख केला, आपण खूप छान बॉलिंग पाहतोय आपण, आणि इथं मात्र निश्चितच जो निर्णय घेतला होता टॉस जिंकून प्रथम बॅटिंगचा, कुठेतरी चुकीचा ठरवलाय प्रत्येक बॉलरनी, देवीदास, नितेश, दीपक आणि आता मात्र बाला यांनी तर या स्पर्धेमध्ये खूपच चांगली बॉलिंग केलेली आहे। बाला पाटील नए बॅट्समॅन बल्लेबाजी को आए इस वक्त इंद्रपाल, मिस्टर वर्मा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। लाइफ इंडिया न्यूज, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, फिर बढ़िया गेंद ड्राइव किया गेंद को, 1 रन और 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 22। बॉलिंग मानो ऐसे करते बाला के सामने बल्लेबाज को नहीं देख रहे, नीचे पिच को देख रहे हैं। राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, ओ बढ़िया गेंद, लेग ब्रेक गेंद थी, विकेटों के ऊपर से चली गई डॉट गेंद। आखिर की 3 गेंदें बची है और देखना है कि वडू नवगर कालिका माता कालवार के सामने नाना ट्रॉफी को जीतने के लिए क्या लक्ष्य रखती है। 8 गेंदें अब तक डॉट खेली है। फुल टॉस गेंद तान दी आसमान में, लेकिन पीछे खिलाड़ी हैं,
एक रन आया दूसरे की कोशिश और दो रन पूरे। नॉन स्ट्राइक के बैट्समैन चलते हुए रन पूरा कर रहे हैं, मानो ऐसे आ रहे हैं जैसे किसी के मोहल्ले में घुस रहे हो। दो रन पूरे, 24 पे पहुंचा स्कोर। दो गेंदे बची है फाइनल ओवर की। या व्यासपीठाकडे आगमन होता आहे युवा सेना, छेदन युवा सेना शहर प्रमुख रोहित शेठ बाळाम चौधरी यांचं, आणि खरं तर त्यांचं स्वागत इथे या षटकाराने झालंय असं आपण म्हणूया। या स्पर्धेच्या माध्यमातून तुमचं सस्नेह मनपूर्वक स्वागत। ये सिक्सर फाइनल का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है या हौसला बढ़ा सकता है। या मुख्य व्यासपीठावर उपस्थित बंधू काका चौधरी यांचा शुभ सन्मान करण्याची विनंती आहे। आयोजक सतीशजी चौधरी आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचा शुभ सन्मान करा। त्याचबरोबर उद्योगपती पद्माकरजी चौधरी आपलंही या स्पर्धेत आगमन झालंय, तुमचं आयोजकांच्या वतीने सहर्ष स्वागत। 30 रन आखरी गेंद ड्राइव के हवा में, ओ भूल गए, हाथ बंद करना भूल गए गेंद जब आई थी तो, और दो रन बने, इस तरह 33 रन रखे नाना ट्रॉफी 2022 को जीतने के लिए न्यू 40+ कैटेगरी में। और चलते हैं इस वक्त हम सुनील शिल्के के पास। या मुख्य व्यासपीठाकडे आता ज्यांचं आगमन झालं ते पद्माकरजी चौधरी उद्योजक यांचं आयोजकांच्या वतीने सस्ने स्वागत। यानंतर जाऊया, ही जी सायंकाळ आहे ती अधिक हसरी आणि प्रसन्न करण्यासाठी सप्तसुरांच्या दुनियात जाऊया। डॉल्फिन प्रस्तुत विशालजी पाटील यांच्या माध्यमातून सुरेल संगीत यानंतर ऐकण्यासाठी तयार राहा। त्याचबरोबर त्यांच्या सहगायिका करिश्माजी पाटील या दोन्ही गायकांना यानंतर ऐकण्यासाठी आपण तयार राहूया। जाऊया ड्युएट सॉन्ग विशाल पाटील यांच्या माध्यमातून। हॅलो, हॅलो, दादा नमस्कार, एकदम अरे झिंगाड येऊ ना, पहिला लाव ना वाईस झिंगाड नाही रे, एकच एकच वादा आहे बघ ना, हा तू तो ऐक ना, तू लावून बघ कुठले, हा आवाज कर तिकडे सर। हॅलो, आमचे परम मित्र सतीश भाई चौधरी यांच्या विनंती।
हॅलो. तसंच आमच्या बरोबर आलेल्या आमच्या गायिका चांदन चांदन झाली रात, चांदन चांदन झाली रात, नाना ट्रॉफीची पाहत होते वाट, नाना ट्रॉफीची पाहत होते वाट. सतीश भाई, विजय चौधरी, सतीश दादाला बोल बाग, आईला नतनी घर बाग, पुण्याचा सोनार बोलवार, राइट राइट, आईला नतनी घर बाग. हळदीचा कुंकवाचा घेऊन तात, हळदीचा कुंकवाचा घेऊन तात, एक विरेची पाहत होते वाट, नाना ट्रॉफीची पाहत होते वाट. चांदन चांदन झाली रात, चांदन चांदन झाली रात, नाना ट्रॉफीची वाहत होते वाट, नाना ट्रॉफीची वाहत होते वाट. विजय दादाला बोलवाग, आईला तुळशील गडवाग, उदाचा कप्रस घेऊन तार, उदाचा कप्रस घेऊन तार, एक विरेची पाहत होते वाट, नाना ट्रॉफीची पाहत होते वाट. चांदन चांदन झाली रात, चांदन चांदन झाली रात, नाना ट्रॉफीची पाहत होते वाट, नाना ट्रॉफीची पाहत होते वाट. धन्यवाद. फार सुंदर अशा पद्धतीची दोन गीतं खरं तर आपण ऐकली. दोन्ही सोलो सॉंग होते आणि ट्रॅक खरं तर इथे उपलब्ध असतात, त्यांच्यावर गाण्याचा प्रयत्न इथे झाला. फार अप्रतिम गायन विशालजी पाटील, त्याचबरोबर भारती मडवी यांनी खरं तर गायलेलं गीत चांदनं चांदनं झाली रात हे करिश्माजी पाटील यांनी आपल्यापर्यंत पोहोचवलं. धन्यवाद जव्या मैदानाच्या आतमध्ये. धन्यवाद सुनील शिलके. या मुख्य व्यासपीठावर खरं तर आत्ताच ज्यांचं आगमन झालं ते उद्योजक भावेशजी चौधरी. भावेश 33 का लक्ष रखाय. आणि भावेश म्हात्रे, आपणास विनंती आहे, तुम्ही मुख्य व्यासपीठाशी येऊन जोडायचं आहे. नाना ट्रॉफी 2022 को जीतने के लिए टीम कालिका माता कालवार के सामने मेरे साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं सुनील पवार. गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे लगाया जा रहा है साइड आर्म गेंदबाज मानंद पाटिल को, जबकि सामना करेंगे नंदू सबका बंधु. नॉन स्ट्राइक पर है इस वक्त प्रवीण. पहली गेंद पैरों से उलझ गई थी, ऑफिस टॉस खेलना चाहते थे. मानन का अपील करने का अंदाज कुछ अलग ही है, बैठते हैं दोनों हाथ ऊपर करते हैं. हर खिलाड़ी का अपना एक अंदाज है, कुछ खिलाड़ी अपनी चाल से पहचाने जाते हैं, कुछ बाल से और कुछ अपने खेल से. ये देखिए बहुत खूबसूरत गेंद थी और थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर इंपैक्ट रहा था. फिर से अच्छी गेंद विकेटों में, इस मरतबा एक रन बना, खाता खुला यहां पर नंदू का. खाता खुला कालवार जय कालिका माता स्पोर्ट्स का, एक रन बिना कोई विकेट के. प्रवीण हमारे बीच मशहूर उद्योगपति और 40+ के एक्स प्रेसिडेंट रेगुलर, अमची माती अमचे डंपर पद्माकर चौधरी साहब आ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत. एक हैट्रिक को 2100 का इनाम है इस मर्तबा.
थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और आंखों आंखों में दौड़न पूरे किए हैं। पद्माकर चौधरी साहब ने ऐलान किया है कि कोई भी गेंदबाज हैट्रिक लेता है या कोई बल्लेबाज हैट्रिक सिक्सर लगाता है तो 2100 रुपए का इनाम। रोहित चौधरी साहब है हमारे बीच में, रोहित चौधरी जो युवा सेना शहर प्रमुख हैं, आपका भी स्वागत है। 3 रन कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ निकली है, 1 रन बना है, आप नहीं पहुंच पाएंगे लेकिन थ्रो ऊपर गया है, 2 रन पूरे। इसीलिए तो क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, जरा नहीं तर नहीं चालत, किंतु और परंतु का तो सवाल ही नहीं उठता है। अनिकित व्यासपीठावर पत्ते आपण आदरणीय जनार्दन चौधरी साहेब यांच्याकडून विकेट हॅट्रिकला सुद्धा 500 रुपयाची रोख रक्कम आहे। आणि या भावेसर जर पहिले आपण अंतिम सामना आहे पण काय सुरेख बॉलिंगचा मारा पाहतोय आपण अतिशय जबरदस्त महानंद पाटील यांच्या माध्यमातून। महानंद पाटील अपील जब करते हैं तो देखने लायक रहता है। इस मरतबा जड़ से टकराई और सीधा थ्रो पहुंचा है, पहला बैट्समैन रन आउट। विकेट की हैट्रिक, सिक्सर की हैट्रिक के लिए और बाउंड्री की हैट्रिक, एक चौका भी लगाते हैं 500, एक सिक्सर भी लगाते हैं 500, एक विकेट भी लेते हैं, लेकिन ये विकेट महानंद को नहीं मिला है, ये रन आउट हुआ है। नहीं नहीं 250 भी नहीं मिलेंगे, मिली जुली सरकार नहीं चलेंगी, क्लियर विकेट। नए बैट्समैन देवीदास आए हैं, एक गेंद बची है महानंद पाटील की। अतिशय चांगले षटक पाहतोय आपण, ज्या प्रकारे महानंद पाटीलने षटक हाताळले, विकेट जरी त्याच्या खात्यात नसेल पण धावगतीवर अंकुश ब्रेक लावले, जबरदस्त कामगिरी करताना या पहिल्या षटकामध्ये। महानंद समय ज्यादा न ले क्योंकि सूरज डूबने की तैयारी में, हल्के हाथों से पुश करो और खुश रहो, धीरे धीरे पहुंच गए क्रीज में। ये देखिए गेंद हाथ में लेके कह रहे हैं तू तो आ, वो वहीं खड़े। हे 40+ चा क्रिकेट आहे, फुल प्लॅनिंग अनुसार जर खेळ मैदानाच्या मध्ये पाहतोय आपण, कारण की आउट कसं करायचंय आणि नवीन फलंदाला पाचारण कसं करायचंय आणि हे आपण सातत्याने पाहतोय की 40+ मध्ये खूप जास्त वेळेस पाहायला मिळतोय। वेलकम दरम्यान पाहतोय आपण आदरणीय करसन फुलोरे साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे, वेलकम स्वागत आहे आपलं। राजा माणूस करसन फुलोरे जी भी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत आहे। दरम्यान पाहतोय आपण आदरणीय दिनेश चौधरी साहेब सुद्धा व्यासपीठावर आगमन झालेले, वेलकम दिनेश दादा, स्वागत आहे आपलं। यस, बहुत मशहूर दिनेश चौधरी हमसे जुड़ चुके हैं। एक ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 6 विकेट गिरे हैं, 2 नए बैट्समैन बाला पाटील। देखिए पद्माकर चौधरी से लगभग 20-22 साल पहले से मेरे ज़्यादा 24 साल पहले से कॉन्टैक्ट्स हैं, ये आदमी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इनकी सब बातें हम माइक से भी तो नहीं बोल सकते हैं। खेल की शुरुआत होती भी और गेंदबाजी के लिए गणेश पाटील, सामना करेंगे बैट्समैन बाला पाटील। वेळ जास्त घेतात आपण, विनंती असेल की वेळेचं भान ठेवायचं आहे आता, मात्र इथून सामना जिंकण्यासाठी प्रति चौकाला 500, प्रति षटकाला 500 आणि प्रति विकेटला सुद्धा 500 येतं निश्चित पद्माकर चौधरी साहेब यांच्या माध्यमातून। इसे कहते हैं इनाम लगाना,
जिसमें जितना है दम वो उतना हासिल कर ले। खेल की शुरुआत होती हुई गणेश पाटिल इस मरतबा बैकफुट पे जाकर गेंद को पंच किया, मिड ऑफ डीप में एक रन बना, दूसरे की दौड़ दो रन पूरे, इन दो रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 8 रनों पे पहुंचा है 2 विकेटों के नुकसान पे। 33 का लक्ष्य है नाना ट्रॉफी को जीतने के लिए कालवा टीम के सामने। 17 गेंदों में 25 रन चाहिए। भावेश जर पहिला दोन सामना दोन्ही संघाकडे समान प्रमाणात जुकलेला आहे, पण इथून मात्र मी एकच सांगेन की जो चांगल्या खेळाचं प्रदर्शन करेल तो नाना ट्रॉफीवर नाव कोरेल आपलं, कारण की शेवटच्या षटकामध्ये जर पाहिलं आपण एक चांगला प्रहार पाहायला मिळाला होता बॅटर इंद्रपाल यांच्या बॅटमधून षटकार, आणि त्याच बळावर मात्र 33 टार्गेट पाहतोय आपण। लंबे कटके गणेश पाटील स्विच हिट किया है, गजब का शॉट है, गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन और पद्माकर चौधरी साहब के पहले 500 जीतने वाले बैट्समैन है बाला पाटिल। के इस तरह लगाते रहो और हरी नोट पाते रहो। अतिशय सुरेख का पलटी फटका पाहिला आपण पॉइंटच्या डोक्यावरतून, आणि रोख रक्कम 500 रुपयाचं बक्षीस सुद्धा मिळवले व्यासपीठावर। निश्चित भावे सर एकच सांगेन या मित्र मग कुठली टुर्नामेंट असो तर दानशूर राजा कोणाला म्हणतात हे दाखवून दिले परत पद्माकर चौधरी साहेबांनी। बहुत खुले दिल खुले जैन और खुले आर्ट के आदमी है। गणेश स्वीप करने की कोशिश, सवाल पूछा है वहां पर, 2 रन हुए। गणेश क्या कर रहे हैं, गेंद को भी नहीं पकड़ रहे हैं। रिप्ले में हम देखना चाहेंगे जिस तरह से वो नाच रहे थे अंपायर के पास अपील करते हुए। आइए देखते हैं रिप्ले को। ओ बहुत ही नजदीकी मामला था, अंपायर इज द बेस्ट जज, लेकिन काफी नजदीकी मामला था। तर व्यासपीठावर आदरणीय जनार्दन चौधरी साहेब हे सुद्धा आहेत, त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा विकेट हॅट्रिक षटकार हॅट्रिक किंवा चौकर हॅट्रिक जर लागली तर रोख रक्कम 500 रुपये दिले जाईल। राईट आर्म ओव्हर द स्टंप जाते हुए स्विच हिट किया हवा में, ओ पकड़ के छोड़ दिया, ये कैच पकड़ के छोड़ दिया है। गली में गेंद गई थी और किस्मत वाले रहे वहां पर बाला पाटिल। मैं अक्सर कहता हूं कि गली के चक्कर ठीक नहीं होते, गली महबूब के रहे या क्रिकेट की, पकड़े जाने का डर रहता है। आणि या स्पर्धेमध्ये जर पाहिलं आपण विशेष सहकार्य लाखमोलाचा जर पाहिलं आपण निश्चित नो डाऊट उद्योगपती व माजी अध्यक्ष 40+ भिवंडी ग्रामीण संघटनेचे आदरणीय पद्माकर चौधरी साहेब, आणि त्याचबरोबर पाहतोय आपण अध्यक्ष जय सोनादी प्रतिष्ठानचे आदरणीय कर्सन गुणत फुरीर साहेब यांच्या माध्यमातून। इस मरतबा कॉपी बुक स्टाईल में पुश किया, कोई रन नहीं, 15 रन 2 विकेट, यहां से और कितने रन चाहिए, 12 गेंदे 18 रन। पण समीकरण थोडंसं कठीण आहे भावेश सर, जर पाहिलं आपण या स्थितीमध्ये एवढं सोपं नाही की तुम्ही हवाई फटके मारून सहज धावाचा पाठलांग करणं कठीण आहे, आणि या येणाऱ्या गोलंदाजामध्ये या संघाची सर्वात मोठी ताकदीमध्ये बॉलिंग साईड आहे। भिरू एक अतिशय चांगला वेगवान गोलंदाज भिरू याचं एक षटक टर्निंग पॉईंट ठरेल, पण इथे मात्र निश्चित अजूनच सामना दोन्ही संघाकडे समान प्रमाणात येऊन ठेपलेला आहे। ये आप देख सकते हैं वीआईपी डाइस का मंजर, आज मान्यवर का तांता लगा हुआ है, पैक वीआईपी डाइस। या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी आम्हाला प्रथम पारितोषिक स्पॉन्सर केले युवा सेना शहर प्रमुख आदरणीय रोहित बाळाराम चौधरी साहेब यांच्या माध्यमातून पाहतोय आपण, द्वितीय पारितोषिक ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला स्पॉन्सर झालेले आहे स्वर्गीय गोपाल अर्जुन चौधरी यांच्या समर्थ आदरणीय शरद गोपाल चौधरी साहेब यांच्या माध्यमातून, तृतीय पारितोषिक पाहतोय आपण
स्वर्गीय जयराम कळू पाटील यांच्या स्मरणार्थ लडकू गोविंद फुलोरे साहेब यांच्या माध्यमातून या सर्वांचं मी आयोजकाच्या माध्यमातून अभिनंदन करतोय. तुमचं लाख मुलाचं सहकार्य या स्पर्धेला उच्च कोटीवर नेण्याचं काम केलेलं आहे. खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए भीरू पाटील आए. सामना करेंगे उनका बैट्समैन बाला पाटील. एक चौका लगा चुके हैं. 12 गेंदे 18 रन. कट टू कट फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं नाना ट्रॉफी 20-22 में. चला वेळ कमी घ्यायचा पण शेवटची वॉर्निंग आहे तुम्हाला. विनंती असेल भीरू सज्ज होताना. भीरू दूर से खेला है. मोटा सिरा लगा है. ऑन द राइस खेला था. थर्ड मैन पे खिलाड़ी एक रन. मैं विशेष धन्यवाद करूंगा विजय चौधरी साहब का और नाना स्पोर्ट्स का. हालांकि कल 3 बजे तक मैं मानकोली में था लेकिन टाइगर ऑफ टीमगढ़ सतीश चौधरी को मैं ना नहीं कह सकता था इसलिए बिजी शेड्यूल में भी आया. मैं सतीश चौधरी का भी विशेष धन्यवाद करता हूं. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन. न्यू 40+ क्रिकेट आप देख रहे हैं. इसके संस्थापक अध्यक्ष प्रताप सेठ पाटिल. ग्यारह गेंदों में कितने रन चाहिए? 17. वाकई में पवार अपने सही आकलन किया. इस तरह की कंडीशन में बड़े शॉट आना बहुत मुश्किल है. वेळेचं भान ठेवायचं आहे. पाहतोय आपण की जास्त वेळ तुम्ही खर्च करताय तर विनंती आहे वारंवार आम्ही सूचना करतोय अन्यथा यानंतर आपल्याला पेनलाइज केलं जाईल. प्रत्येक चेंडूवर टीम मीटिंग घेऊ नका आपण. खेल की शुरुआत होती भी गेंदबाजी के लिए भीरू पाटील. नए बैट्समैन दीपक मात्रे. कट करने की कोशिश बीट किया. बढ़िया गेंद. कौन बनाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास. राइट आर्म राउंड स्टम्प गेंदबाजी कर रहे हैं भीरू पाटील. अतिशय सुरेख बॉलिंग पाहतोय आपण. राउंड द विकेटचा मारा आपण जेव्हा चेंडू चा टप्पा पडतोय अँगल म्हणून थोडासा चेंडू किंचित बाहेर वळतोय आणि त्याचा परिणाम पाहतोय की अतिशय चांगले षटक. भीरू पाटील लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प जाते हुए बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है. गेंद गैप में ट्रैवल हो रही है. 4 रन. भावे सर पहिल्या अशा स्थितीमध्ये हा फटका अतिशय उत्तम आहे. बघितला पण थोडासा बाहेर चेंडू रूम होती आणि काय सुरेख अस्कुरादळी विकेट कडचा फटका होता आणि पॉइंट बाउंड्रीच्या बाहेर चौकार वसूल करतोय. क्लासिकल स्ट्रोक मिनिमम एफर्ट अँड मॅक्झिमम रिझल्ट. इस तरह के जो शॉट रहते हैं वो जाजिबुल नजर रहते हैं. नजरों में डूब जाते हैं. 9 गेंदे 13 रन. एका चौकानी या स्थिति थोड़ी बदललेली आहे. पाहतोय आपण ज्या प्रकारे शॉट खेळला होता 9 चेंडू मध्ये सामना जिंकण्यासाठी अजून इथून मात्र 13 धावीची आवश्यकता आहे. क्लास फटका पाहिला आपण बॅटर दीपक मात्रे यांच्या माध्यमातून. राइट आर्म राउंड स्टम्प जाते हुए भीरू पाटील. इस मरतबा खेल दिया है. वाइड इश फाइल ने एक बाउंड्री के बाहर 4 रन. चौकार म्हणजे व्यासपीठावर शोभा वाढवताना आमची आदरणीय पद्माकर चौधरी साहेब यांच्याकडून प्रति चौकार षटकार किंवा विकेटला सुद्धा 1000 रुपये आहेत. आणि इथं मात्र निश्चित कमाई करताना पाहतोय दीपक मात्र आणि टीमला मात्र विजयाकडे वाटचाल घेऊन जाताना. अगर कालवार इस मॅच को जीतती है तो 2 नंबर पे आएंगी कार्यवली के बाद न्यू 40+ रैंकिंग में. एक विजेता एक उप विजेता. फिर स्वीप करने की कोशिश. झाड़ू स्ट्रोक वाइट. गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं वहां पर गेंदबाज भीरू पाटील. आता मात्र सोप्पा समीकरण पाहतोय. 8 चेंडू आणि फक्त सामना जिंकण्यासाठी इथून मात्र 8 धावीची आवश्यकता असेल. ये नहीं भूलना चाहिए कि कभी कभी आसान दिखने वाला लक्ष्य कठिन हो जाता है.
लेकिन ये कभी कभी की बात है। फिर कट करने की कोशिश, जगह नहीं थी, बीट किया ऑफ स्टंप के बाहर, अच्छी वापसी, कांटा बदला था गेंद ने टिप्पा खाने के बाद। हल्का सा क्लाइमेट अब ठंडा हुआ है और इसमें बहुत ही सूझबूझ की बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपक मात्रे। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, अच्छा पुश, एक रन बना, दूसरे की कॉल है, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी मिड ऑन पे गए और दो रन पूरे किए बैट्समैन ने। हालांकि अपील अभी भी हो रही है, क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, त्याला विनंती असेल क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। आपण दो रन से स्कोर, तीसरे अंपायर की पहले ही कहा गया था कि सुविधा नहीं है। अब गेंदे बची है छह और वन शॉट, गेंदे बची है छह और रन चाहिए सात। कौन बनेगा विजेता? 40 प्लस को बहुत ज्यादा कवरेज देते हैं सुनील पवार, तो मैं चाहूंगा कि इस फाइनल ओवर की कमेंट्री सुनील पवार करें। चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, त्याला विनंती आहे की आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। आता मात्र सामना जिंकण्यासाठी 22 रुपये आपण 6-9 मध्ये 7 धावीची आवश्यकता आहे, सामना संपला नाही इथं मात्र जर विजय केला आपण तर। चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या, टीम मीटिंग घेऊ नका। चला विनंती असेल की आपण लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय, सामना जिंकण्यासाठी 7 धावीची आवश्यकता आहे, 6 चेंडू आणि अंतिम षटक टाकण्यासाठी ते मात्र बॉलर पाहतोय आपण विलास काबूकर। सुनील पवार देखना है कि विलास काबूकर इस फाइनल को काबू करते हैं या नहीं। तर स्ट्राइकला असेल बाळा पाटील, वेळ कमी घ्या आपण, सातत्याने तुम्हाला मी विनंती करतोय, 6-7 असं समीकरण आहे। नाना ट्रॉफी 2022 आपण अंतिम मेगा फिनाले पाहतोय, कोण जिंकेल ही ट्रॉफी काही क्षणातच इथं मात्र पाहायला मिळेल। पण दोन्ही संघाचं जबरदस्त कामगिरी पाहिली आपण कालच्या दिवसामध्ये, कालवार संघाने खूप उच्च कोटीचं प्रदर्शन केलं होतं आणि आज वडूनगर संघाने सुद्धा अतिशय चांगलं परफॉर्मन्स करून अंतिम फेरीत प्रवेश केला आणि अंतिम सामना पाहतोय आपण शेवटच्या क्षणी। पहिला चेंडू, पहिला चेंडू सुरेख चेंडू होता, आता मात्र पहिल्या चेंडू खेळताना मात्र दबाव टाकले बॅटरवर, 5-7 असं समीकरण आहे। चांगली बॉलिंग पाहतोय आपण, पहिल्या चेंडूवर चांगलं चेंडू आतडलं गेलं, खेळण्यासाठी बॅटर पाहतोय आपण बाळा पाटील, एक चौकारने मात्र चांगली बॅटिंग करताना पाहतोय, संघ अडचणीत असताना बॅटिंग करण्यासाठी आला होता। यश पात्र हा फटका हवेत आहे, प्रयत्न केला होता पण इशारा काही पंचाचे पाहायचे आहे। आणि या षटकार फक्त आणि फक्त सामना जिंकण्यासाठी ते मात्र एका धावीची आवश्यकता आहे। षटकार आलाय अजून आणि व्यासपीठावर पाहतो की आपण आदरणीय पद्माकर चौधरी साहेब यांच्या माध्यमातून रोख रक्कम 500 रुपये, जबरदस्त प्रहार बाळा पाटील, बाळा पाटील यांच्या बॅटमधून टॅप केले फक्त खाली क्षेत्रामध्ये आणि याच बरोबर इथं मात्र विजय साजरा करतोय आणि चेंडू मात्र निघून गेला सीमापार।
या स्पर्धेमध्ये खरं तर ज्यांनी टॉस बॉक्स स्पॉन्सरशिप घेतलेले ते भावेश जी म्हात्रे, आपणास विनंती आपण क्रीडानगरमध्ये उपस्थित आहात, मुख्य व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हायचे. यानंतर लगेचच आपण प्राईज डिस्ट्रीब्युशन सेरेमनी करणार आहोत. दोन्ही संघांना विनंती आहे लगेचच समोर या, दोन्ही संघ लगेचच समोर या. या मुख्य व्यासपीठावर अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान करण्याची विनंती आयोजकांना आहे. आयोजकांना विनंती